परासू करत में जो राम जानता बन डूबे नाम ले मोती बन डूबे नाम ले मोती ओ उस मालिक के घर में संसार भगवान का बनाया अनुपम उपहार है। इस संसार में भगवान ने मानव को सिर्फ मानव बनाकर उतारा, उसने कोई जात पात नहीं बनाई। जाति पाति का निर्माण तो हम मानव कर रहे हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि भगवान कौन सी जाति की हैं? नहीं बतला सकते। जब भगवान की कोई जात नहीं है तो उसके बनाए मानव की जात पात कहां से आ गई? जात पात तो इंसान के कर्मों से है। चमड़े का काम करने वाला चमार, लोहे का काम करने वाला लोहार, सोने का काम करने वाला सुनार, इस तरह कर्मों से ही जात है। इसलिए आप सब मिलकर रहो। सच्ची प्रभु भक्ति यही है कि मानव मानव से प्रेम करे। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। और लो भाई सभी, ये भगवान का प्रसाद लो। लो भाई तुम भी लो, लो तुम भी लो, और लो सेठ जी तुम भी लो। ले भाई दे। इतना गंदा चरणामृत, मेरी तो सारी धोती खराब हो गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम राम सेठ जी, ये लीजिए, संभालिए अपने वस्त्र। ठीक है वहां रख दो। सेठ जी,
आज घर सुना सुना लग रहा है। भैया सेठानी अपने पहन गई है, ले ये धोती धोला, नई धोती खराब हो गई। अरे चल फालतू बात ना कर। बाबूजी खाना रख दिया है, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, और कलेवा ठंडा करके ना खाना। कितना ख्याल रखती है मेरा, हे भगवान इसका रोग खत्म कर दे, इसका ब्याह करके मैं अपना फर्ज निभा सकूं। हाय राम, ये कैसा चमत्कार। बापू 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 बापू। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है। देखिए बापू देखिए, मैं ठीक हो गई। अरे बिटिया ये कैसा चमत्कार, वर्षों की बीमारी एक पल में ठीक, कैसे हुआ ये सब। बापू जब मैं धोती धो रही थी तो अचानक मेरी नजर मेरे हाथों पर पड़ी, तो मेरे हाथ बिल्कुल ठीक थे। भगवान की माया है बेटी, उसकी मर्जी कब क्या कर दे। तुम्हारा इतना पुराना फुलवरी का रोग एक पल में ठीक हो गया। हाँ बापू ये सब भगवान की ही माया है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे मिली। हरे राम हरे राम। सेठ जी। क्या है सेठ जी, आपके कपड़े रख दो। वहां सेठ जी आज जो आपके कपड़े धुले हैं मैं उनका दाम नहीं लूंगा। ऐसा क्यों भाई। सेठ जी आपकी धोती में ऐसा गुण था कि उसे धोते धोते मेरी बेटी का फुलवरी का रोग ठीक हो गया, आज तक वैसे ठीक नहीं हुआ था। हाय राम, भूत भूत भूत। अरे वही डरो ना, मैं सेठ जी हूँ। ये सब कैसे हो गया, आप तो कोड़ी हो गए। पता नहीं भाई भगवान ने किस पाप का दंड दिया है, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है बाहर किसी को मत बताना कि मुझे कोड़ हो गया है, वरना लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखेंगे, और वैद्य जी को मेरे पास भेज देना, शायद मेरा इलाज हो जाए। ठीक है सेठ जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अभी वैद्य को भेजता हूँ। है सांझ होने को आई पर वैद्य जी नहीं आए, वैद्य अभी तक नहीं आया, और कल तक सेठानी भी लौट आएगी, वो मुझसे घृणा करेगी। धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, वो भी मुझसे घृणा करेंगे, लोग मुझसे दूर भागेंगे। नहीं नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा।
अरे चलो चलो भाई, जल्दी चलो, संत जी के प्रवचनों का समय हो गया है। चलो भाई चलो, हाँ भाई चलो, चलो भाई चलो। मैं समझ गया, कल मैंने आपके भक्त से चरणामृत लेते वक्त घृणा दिखाई और चरणामृत को गिरा दिया, उसी पाप से मैं कोड़ी हुआ हूँ। हे भगवान, आप मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अब मैं संत जी के आश्रम पर ही चलता हूँ। एक मनोरथ राम मिलन ओ जीव भजन में लग जा रे, सारी चिंता भग जा रे। एक मनोरथ राम मिलन ओ जीव भजन में लग जा रे, सारी चिंता भग जा रे। एक मनोरथ राम मिलन ओ जीव भजन फल बनता, फूल तले गिर जाता। फूल लागता फिर फल बनता, फूल तले गिर जाता। ऐसी ही मन की दशा में मानस गूढ़ ज्ञान को पाता। एक मनोरथ राम मिलन ओ जीव भजन में लग जा रे, सारी चिंता भग जा रे। एक मनोरथ राम मिलन ओ जीव भजन में लग जा रे, सारी चिंता भग जा रे। मिलन ओ जीव भजन में लग जा रे,
सारी जनता भग जा रे। कमल संग सब मूर्ति पूजे या ए परंपरा से ओ कमल संग सब मूर्ति पूजे या ए परंपरा से और किसे वेदित राम मिलन हो दुनिया एक सरा से एक मनोरथ राम मिलन हो जीव भजन में लग जा रे सारे चंदा भग जा रे एक मनोरथ राम लन ओ जीव भजन में लग जा रे सारे चंदा भग जा रे। क्षमा कर दो भगत जी मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके दिए हुए चरणामृत को घृणा की दृष्टि से देखा, मुझे क्षमा कर दो भगत जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे ये बहुत भारी पाप हुआ मुझे क्षमा कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उठो बच्चा, भगवान का प्रसाद लो, भगवान भली करेंगे। जय हो रविदास जी की जय हो, मेरा रोग ठीक हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रणाम ब्राह्मण देवता। प्रणाम भगत जी। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ नहीं भगत जी, मैं तो राजा धीरेन्द्र की तरफ से गंगा मैया में कुछ दान पुण्य करने आया था। आपका काफी नाम सुना, सोचा कुछ विश्राम भी हो जाएगा और इस बहाने आपके दर्शन भी हो जाएंगे, इसीलिए चला आया। मैं तो तुझ पुरानी हूँ ब्राह्मण देवता, मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो। नहीं नहीं, आप तो सच्चे भक्त हैं। ये कहाँ का भक्त है, पता नहीं कैसे इतनी ख्याति पाली। क्या कह रहे हो ब्राह्मण देवता। कुछ नहीं। ब्राह्मण देवता, आप गंगा मैया में स्नान करने जा तो रहे हो, हमारी तरफ से भी एक टका गंगा मैया को भेंट कर देना। ठीक है भगत जी, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। पर ब्राह्मण देवता, मेरा दान तब ही करना जब गंगा मैया खुद हाथ बढ़ाकर मेरा दान ले ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये रविदास तो पागल लगता है, भला गंगा मैया भी कभी हाथ बढ़ाकर दान लेती है। हर हर गंगे हर हर गंगे। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया की जय हो। हे गंगा मैया, राजा वीरेन की तरफ से ये दान स्वीकार करें। लो मैया, एक टका दिया है तुम्हारे भगत ने, हाथ बढ़ा कर ले लो। लाओ तो, मेरे भक्त ने मेरे लिए क्या दिया है। ये तो चमत्कार हो गया, गंगा मैया ने हाथ बढ़ाकर
भक्त का दान ग्रहण कर लिया। हे ब्राह्मण रुको, ये कंगन मेरे भक्त को मेरी तरफ से उपहार दे देना। जय हो गंगा मैया, जय हो। इतना सुंदर कंगन, इतना कीमती कंगन तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये कंगन तो राजा को देना चाहिए। मैं सीधा राजा के पास ही जाता हूँ। राजा मुझे खूब इनाम देगा और मैं मालामाल हो जाऊंगा। प्रणाम महाराज। पधारिए पंडित जी, कैसी रही यात्रा? महाराज यात्रा सफल रही और गंगा मैया ने आपकी तरफ से दान पुण्य स्वीकार किया। और ये देखिए, गंगा मैया ने ये कंगन मुझे भेंट दिया है। अति सुंदर। महाराज ये कंगन आप ही रखिए, मुझे भला इसकी क्या जरूरत है। इतना सुंदर कंगन, अति सुंदर, अति सुंदर। मंत्री जी। आज्ञा महाराज। पंडित जी को धन माल की कमी ना होने पाए। जो आज्ञा महाराज। लीजिए रानी, आज हम आपको एक अद्भुत उपहार देना चाहते हैं। इतना सुंदर कंगन, ऐसी सुंदर बनावट का कंगन हमने आज तक नहीं देखा। क्या खूब जचता है मेरी कलाई में। अगर इसका एक और जोड़ा होता तो। रानी दिल मत तोड़ो, ये तो हमारे हाथ की बात है। हम अभी पंडित जी को बुलवाते हैं और दूसरा कंगन मंगवाते हैं। सिपाही। प्रणाम महाराज। पंडित जी को बुला कर लाओ जो अभी कंगन देकर गए थे। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम, कहिए किस लिए याद किया। पंडित जी हमारी रानी को कंगन बहुत पसंद आया, लेकिन अकेला कंगन शोभा नहीं देता। आप जाओ और दूसरा कंगन भी लेकर आओ। हाँ, जो आज्ञा महाराज। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गया। अगर राजा के सामने इनकार करता तो राजा मुझे फांसी चढ़ा देता। अब क्या किया जाए। हाँ यही ठीक रहेगा, अब रविदास जी के पास चलना चाहिए, वही मुझे इस संकट से बचाएंगे। हे भगत जी। भगत जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपने जो एक टका गंगा में दान करने के लिए दिया था, उसके बदले में गंगा मैया ने मुझे कंगन दिया था। मैं लालच के वशीभूत होकर इनाम के लालच में वो कंगन आपको न देकर महाराज को दे आया। मुझे सब मालूम है पंडित जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ब्राह्मण देवता, मुझे क्यों पाप का भागीदार बनाते हो, मेरे चरण छोड़ो। मुझे क्षमा कर दो भगत जी और जल्दी गंगा घाट पर चलकर मुझे दूसरा कंगन दिलवा दो। पंडित जी गंगा घाट पर जाने की क्या जरूरत है, मन हो चंगा तो हर जगह है गंगा। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मेरी मैया गंगा मैया सबके पाप है धोती, मेरी मैया गंगा मैया सबके पाप है धोती, मन हो चंगा आए गंगा उजली हो या कटोती। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया, मेरी मैया गंगा मैया सबके पाप है धोती, मेरी मैया गंगा मैया सबके पाप है धोती, मन हो चंगा आए गंगा उजली हो या कटोती। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया। ब्राह्मण का बेटा मैं सुनीत कसूर, तेरे आगे रविदास का केशव जूर। तू ब्राह्मण का बेटा मैं सुनीत कसूर, तेरे आगे रविदास का केशव जूर। तेरा मान करूं धन धन तू ले जा तू जा कंगन, तेरा मान करूं धन धन तू ले जा तू जा कंगन। मन्ने ते बस गंगा मैया देसी रहे दो रोटी। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया, मेरी मैया गंगा मैया सबके पाप है धोती, मेरी मैया गंगा मैया सबके पाप है धोती, मन हो चंगा आए गंगा उजली हो या कटोती। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया। हे भगत जी, आपने मुझे बचा लिया, आपसे बड़ा भक्त मैंने नहीं देखा, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। भक्त रविदास जी की जय हो, भक्त रविदास जी की जय हो। जाओ पिंड जी, राजा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, जल्दी जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रणाम महाराज, पंडित जी आपसे मिलना चाहते हैं। पंडित जी को आदर सहित अंदर भेजो। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम। आओ पंडित जी, ले आए कंगन। हाँ महाराज, लीजिए, परंतु यदि जान के मान पाऊं तो मैं आपसे कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। हाँ कहो पंडित जी। महाराज, वो कंगन जो मैंने आपको पहले दिया था, वो गंगा मैया ने मुझे नहीं दिया, बल्कि रविदास जी के दान पुण्य से खुश होकर रविदास जी के लिए दिया था। मैं लालच के वशीभूत होकर वो कंगन रविदास जी को न देकर इनाम पाने के लिए आपको दे गया, और अब ये कंगन भी रविदास जी ने ही मुझे दिया है। पंडित जी, हमारे राज्य में ऐसे कौन से महान संत हैं, हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। हाँ रानी, हम चलते हैं उनके दर्शनों के लिए। चलो महाराज। प्रणाम भगत जी। आओ राजन, राजो भगत जी, आप हमें अपना शिष्य बनाए और हमें गुरु ज्ञान दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ज्ञान प्राप्ति तथा मन की शांति, ईश्वर ही एकमात्र रास्ता है।
गुरु तो बस मार्ग दिखाता है और वो मार्ग भगवान के द्वार तक जाता है। इसलिए भगवान की वंदना ही मनुष्य को सच्चा सुख देती है। सांसारिक वस्तु भी नाशवान है। जो मानव अपनी पांचों इंद्रियों पर संयम रखता है उसके लिए सांसारिक वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता। और राजन, एक राजा को अपने कर्तव्य अपने धर्म से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा संत जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।